हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट के अगले चैप्टर के बारे में। टोटल अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट के दो टेंस के बारे में बात की है, प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करें तो हर टेंस की तरह इसकी भी अपनी पहचान होती है, जैसे कि है इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके है। चुका है चुकी है मतलब यानी कि कोई काम हो चुका है, लेकिन अभी प्रेजेंट की ही बात है, लेकिन बात प्रेजेंट में ही हुई है, लेकिन जिस काम हुए उसको समय हो चुका है। जैसे वो खाना खा चुका है, बाजार जा चुका है, आ चुका है, चले जा चुका है। इसके अलावा चुका चुकी के अलावा सेंटेंस में और भी साउंड बनते हैं, जैसे हम लोकल हिंदी जो वाक्य यूज़ करते हैं, जैसे कि वो जा चुका की जगह वो चले गया है, वो खाना खा चुका की जगह पे उसने खाना खा लिया है, यानी कि आ ए ई प्लस में हा का साउंड, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला के अगर चुका है चुकी चुके हैं जैसे साउंड आए या फिर आ ए ई प्लस में हा का साउंड आए तो प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट होता है। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस को बनाने की तो उसका रूल भी बहुत इजी होता है। हर टेंस का अपना एक फॉर्मेट होता है, तो उसका भी अपना फॉर्मेट है, इसका भी अपना रूल है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अभी तक आपने देखा होगा हर चैप्टर के अंदर अपनी फॉर्म थी, किसी में फर्स्ट फॉर्म थी, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में फिफ्थ फॉर्म आती है, हर तरह की अपनी फॉर्म चलती है। तो ऐसी इस चैप्टर के अंदर भी फॉर्म चलती है। अब इसके अंदर मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव नॉट थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इस पूरे चैप्टर को देखा जाए तो अगर हम बाकी चैप्टरों की बात करें तो अभी तक आप लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसे हम कर्ता कहते हैं, काम को करने वाला। आपको वर्ब के बारे में पता लग चुका है, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो इस चैप्टर के लिए हमारी लिए जो नई चीज़ है वो हैज़ या हैव। तो जानते हैं कि हैज़ या हैव कहाँ लगता है। दोनों रूलों के अलावा अंदर हैज़ हैव का इस्तेमाल हो रहा है तो हैज़ हैव तो मेन हमारे लिए बनी जाता है, यानी कि है मेन हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो क्या करना है इसका रूल देखते हैं। इसमें हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है, हैज़ का इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर ही शी इट या एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का इस्तेमाल होता है आई यू देवी या एनी प्लूरल के साथ। आई रिपीट, हैज़ या हैव और हैव दोनों के यूज़ की बात हम कर रहे हैं। हैज़ लगता है हमेशा ही शी इट या एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव लगता है आई यू देवी या एनी प्लूरल के साथ। ये हमारे फॉर्मेट होते हैं। अब इस वाक्य की बात करें तो हमें पता लग चुका है सब्जेक्ट क्या होता है, हमें पता है हैज़ हैव क्या है, हमें ये भी पता है थर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर फॉर्म्स पता है तो मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप इसको बिना याद करें पैसे याद करें। अगर होता भी है तो चलिए मान लेते हैं होता भी है, तो उसके अंदर थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन इजी वे तो यही कहूँगा कि आपको उसे याद करो ज़्यादा बेटर है। तो आप बात करते हैं इस सेंटेंस को बनाने की। अगर मान लो मैं कहता हूँ वह खाना खा चुका है, अभी हम चुका चुकी आ चुका है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो उस रूल को बनाना कैसे है। रूल के हिसाब से हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ हैव लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ये वाक्य नेगेटिव होगा, जैसे कि वह खाना नहीं खा चुका है, वह बाजार नहीं जा चुका है, वह पढ़ नहीं चुका है, या उसने नहीं पढ़ा है, इस तरह का वाक्य आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ वह खाना खा चुका है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल रूल यानी अफर्मेटिव रूल से बनेगा। इस रूल की अगर बात करें तो सबसे पहले रूल में आता है सब्जेक्ट, यानी जिसका जो व्यक्ति काम को कर रहा है। इसमें लिखा है वह खाना खा चुका है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, वह की इंग्लिश क्या होते हैं ही, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अगर बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद तो उसमें लिखा हुआ हैज़ हैव। अब मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि हैज़ हैव कहाँ लगता है, हैज़ लगता है ही शुड केयर और हैव लगता है आई यू देवी के साथ। तो यहाँ पे हमें ही के साथ क्या लगाना होगा, आप देख सकते हैं यस हैज़, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैज़, ही हैज़। थर्ड फॉर्म क्या है ईट की, यहाँ पे खाने का काम हो रहा है ईट, यानी खाने का काम हो रहा है, वह खाना खा चुका है, तो ही ईट, जाहिर सी बात है, तो ईट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। ईट की थर्ड फॉर्म कहते हैं ईट एट ईटन, यानी कि यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म है ईट, तो ये होगा ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। अगर यही वाक्य नेगेटिव में होता, वह खाना नहीं खा चुका है, तो हम कैसे बताएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे, जैसे कि उस वह खाना नहीं खा चुका है, या फिर उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज़ के साथ वही नॉट, ही हैज़ नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है इसकी ईट की ईटन, तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड। ईजी, बात करते हैं आगे। मान लीजिए इसी वाक्य को हम थोड़ा और दूसरे सेंटेंस में बनाते हैं, दूसरा वाक्य यूज़ करते हैं, जैसे कि वह कार चला चुका है, तो वह यानी ही में लगता है, तो ही हैज़ थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्राइव की, ड्राइव ऑफ ड्रिवन, तो यानी कि ही हैज़ ड्रिवन द कार, वह कार चला चुका है, नहीं चला चुका है तो ही हैज़ नॉट
ड्रिवन द कार। उसी तरीके से अगर हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना पड़े तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से तो सारे सेंटेंस क्या का फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें करना क्या होगा, हैज़ एव को पहले लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हैज़ एव को पहले लगाते हैं, हैज़ एव लगाया पहले, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव, यानी ये हो गया इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव को बनाते हैं, यानी क्वेश्चन का नेगेटिव बनाते हैं इसका, तो हैज़ एव प्लस में सब्जेक्ट, नॉट प्लस में थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका नया रूल हो गया। अब इसी वाक्य में जो साउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, क्या वाले, यानी कि क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या वह बाजार जा चुका है, क्या तुमने खाना खा लिया है, ऐसे वाक्य। अब अगर ये वाक्य बनाने पड़े तो क्या होगा, वही सेम, अगर मैं कहता हूँ वह खाना खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है, तो उसको हम नेगेटिव में क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में क्या बनेंगे, क्या वह खाना खा चुका है। अब क्या के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या वह खाना खा चुके लिए हमें इंटरोगेटिव का रूल यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि क्या वह, यानी ही में लगता है हैज़, तो यहाँ पे क्या वाले सेंटेंस में हैज़ पहले आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हैज़ को लगाएंगे पहले। तो हैज़ ही ईटन फूड, अगर इसी को नेगेटिव बनाते हैं, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, या फिर क्या उसने खाना नहीं खाया है, तो हैज़ ही नॉट ईटन फूड, सिंपल। उसी तरीके से फिर हम डब्ल्यू फैमिली ऐड करते हैं। अब डब्ल्यू फैमिली का यूज़ कैसे होता है, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर चैप्टर में, हर क्लास में ये बात बताता हूँ कि ये चैप्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको कोई चैप्टर डाउटफुल होता है तो चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री के बिहा पे आप वो चैप्टर समझ सकते हो, ताकि आपको ईजी हो जाए कि इसका यूज़ किस तरह से हुआ था। तो अगर आपको चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप इसको पहले वाली क्लासेज में चेक कर सकते हैं। तो डब्ल्यू फैमिली में करना क्या होता है, जो चैप्टर चल रहा होता है, जो टेंस चल रहा होता है, उसी हेल्पिंग वर्ब, यानी जो चैप्टर, मान लीजिए हमारा इंटरोगेटिव चल रहा है, तो कुल मिला के चार रूल हो गए, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल होते हैं उनमें करना क्या होता है, उन्हीं के आगे ना डब्ल्यू फैमिली को ऐड करना होता है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ क्या वह खाना खा चुका है, तो हैज़ ही ईटन फूड है, अगर आप इसी में जोड़ देंगे वाई, तो why has he eaten food, where, तो where has he eaten food, when has he eaten food, इसी तरीके से सेंटेंस जुड़ता जाएगा, why, where, when, with, metro time, इस तरह से वर्ड जुड़ते जाएंगे। तो कुल मिला के इस तरह से आपका डब्ल्यू फैमिली सिंपल, और डब्ल्यू फैमिली नेगेटिव भी उसी तरीके से बनेगा, बस आपको डब्ल्यू फैमिली जो इंटरोगेटिव नेगेटिव उसी में डब्ल्यू फैमिली को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा हमारा डब्ल्यू फैमिली का नेगेटिव भी। तो कुल मिला के ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, और जान ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और फिर डब्ल्यू फैमिली के सिंपल दो हाँ में और ना में दो वाक्य हैं। तो कुल मिला के हमारे इस तरीके से डब्ल्यू फैमिली भी कंप्लीट हो जाता है। इसके भी आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या तुम खाना खा चुके हो, तो हैव यू ईटन फूड, रिप्लाई होगा तो येस आई हैव ईटन, आई हैव नॉट ईटन। आप चाहो तो कंटिन्यू को आगे बढ़ा सकते हो, व्हाई हैव यू ईटन, वेयर हैव यू ईटन, व्हेन हैव यू ईटन, इस तरीके सेंटेंस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो काफी ईजी हो जाता है। तो ये है हमारी आज की क्लास, जिसको कि प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो समझ आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको अपडेटेड जो हमारी वीडियोस होती हैं क्लास से रिलेटेड, जो आप लोगों की हेल्प के लिए बनी हुई है, तो आप उसको अपडेटेड वीडियो तुरंत के तुरंत देख पाएँ। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जब तक के अगली क्लास तक के लिए थोड़ा सा वेट करें, और मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।